हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको न्यूट्रिशन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवाने वाला हूं, जो कि आपके डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये न्यूट्रिशन चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमने पूरे अच्छे तरीके से हमारे एप्लीकेशन उदित फार्मेसी ऐप पर पढ़ाया है। कुल मिलाकर के 5 लेक्चर में पढ़ाया है, जिसमें कि हर एक टॉपिक पे बहुत डिटेल में बात करा है। अब हम लोग उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। और जो बच्चे अभी तक भी तैयारी कंटिन्यू नहीं करे हैं, तो वो आप हमारे उदित फार्मेसी के एप्लीकेशन ऐप को विजिट कर लीजिए। वहाँ पे डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम का बैच चल रहा है, जिसमें कि पूरी बायोलॉजी मैं और पीएम सर मिलकर के आपको पढ़ा रहे हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि आपका सिलेक्शन श्योर शॉट हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव स्वपोषी नहीं है? कौन सा जीव स्वपोषी नहीं है? स्वपोषी कौन होता है? वैसे जीव जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वो अपना भोजन खुद संश्लेषित कर सकते हैं, उसको स्वपोषी जीव कहते हैं। जिसमें क्लोरोफिल उपस्थित हो, है कि नहीं, जिसमें क्लोरोफिल उपस्थित हो वह स्वपोषी होते हैं। तो बोला है, कौन सा स्वपोषी नहीं है? तो ये डायरेक्टली आप बना नहीं पाएंगे, आप बहुत सारी चीजें पहले पढ़ चुके हैं तभी आपसे बनेगा। जैसे क्वेश्चन देखिए, कवक। कवक आपको पता है कि ये कवक है, ये फोटो कवक का, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल, ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्लोरोफिल क्या होता है? नहीं पाया जाता है, इस वजह से ये स्वपोषी नहीं होता है। ये क्या होता है? हेटेरोट्रॉपिक होता है। हेटेरोट्रॉपिक मतलब क्या हुआ? हेटेरोट्रॉपिक मतलब क्या हुआ भाई? ये क्या हुआ? परपोषी जीव है। क्या है? परपोषी है। और हेटेरोट्रॉपिक में भी किस टाइप का होता है? सैप्रोफिटिक होता है। सैप्रोफिटिक मतलब क्या हुआ? जो कि मृतोपजीवी हो, सड़े गले चीजों पर निर्भर करता हो। तो आंसर तो आपका मिल गया कवक, कि निम्न में से कौन सा जीव स्वपोषी नहीं है, तो कवक ही स्वपोषी नहीं है। तो ये तो कंफर्म हो गए। तो यूग्लिना क्लेमाइडोमोनास नीम कैसे है? तो नीम का पौधा तो आपने देखा है कि पौधा हरा होता है, तो ये स्वपोषी है। ठीक है, अब यूग्लिना क्या होता है? यूग्लिना का फोटो आप देख लीजिए। यूग्लिना हमने प्रोटिस्टा में पढ़ाया है कि ये एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीव है, जो कि प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है, जिसमें कि हरा हरा दिख रहा होगा आपको, जो क्या है? क्लोरोफिल है। जो कि क्या है? क्लोरोफिल है। तो इस वजह से ये क्या होता है? इस वजह से ये क्या होता है? स्वपोषी होता है, यानी ऑटोट्रॉपिक होता है। और जो क्लेमाइडोमोनास है, ये भी आपका जो ग्रीन ग्रीन है, ये तो ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल ही है। किसका एग्जाम्पल है? ग्रीन एल्गी का। ग्रीन एल्गी मतलब क्या हुआ? हरित शैवाल, जिसको कि शैवाल जानते हैं, जिसमें कि ये क्लोरोफिल तो होता ही है। ठीक है, तो क्लेमाइडोमोनास एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इससे भी आते हैं, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी कौन सा है? तो क्लेमाइडोमोनास है, प्लस यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा कौन? प्रोटिस्टा कौन है? यूग्लिना है, जिसमें कि क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यूग्लिना क्या है? एक प्रकार का ऑटोट्रॉपिक है, यानी स्वपोषी जीव है। क्लेमाइडोमोनास भी स्वपोषी है, यह स्वपोषी यानी कि नील हरी कहते ये ग्रीन एल्गी है, नीम तो है ही। तो कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इस वजह से कवक क्या है? स्वपोषी नहीं है। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, तब जाकर के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य है एक किस प्रकार का जीव है? स्वपोषी जीव है। देखिए, पोषण दो प्रकार का होता है, एक होता है जैसे कि अगर हम लोग बात करें पोषण का, यानी न्यूट्रिशन का, किसकी बात करते हैं? न्यूट्रिशन का। ये दो तरह का होता है, कितने तरह का? दो तरह का। एक होता है ऑटोट्रॉपिक, क्या होता है बच्चा? ऑटोट्रॉपिक होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है। दूसरा क्या होता है? हेटेरोट्रॉपिक होता है, हेटेरोट्रॉपिक होता है। ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक, और ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या हुआ? स्वपोषी, जिसमें क्या प्रेजेंट हो? क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, जो कि अपना खाना खुद बना सके, जैसे कि एग्जाम्पल में क्या है? हरे पौधे वगैरह हैं। लेकिन हेटेरोट्रॉपिक दो तरह का होता है, हेटेरोट्रॉपिक क्या होता है? जो अपना खाना खुद ना बना सके, उसको परपोषी भी कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? परपोषी। अब ये दो प्रकार का होता है, एक होता है सैप्रोफिटिक, एक होता है सैप्रोफिटिक, एक होता है पारासिटिक। पारासिटिक मतलब क्या हुआ? जो कि परजीवी हो, जो कि जीवित चीजों पर निर्भर करता हो, जैसे कि ढीला वगैरह सर पे रहता है ना, जू जो हमारे खून के ऊपर निर्भर करता है ना, ये पैरासिटिक हो गया। जैसे मच्छर हमारे ऊपर निर्भर है, जीवित चीजों पर निर्भर है, तो वो हो गया पैरासिटिक। लेकिन सैप्रोफिटिक जो सड़े गले चीजों पर निर्भर करता हो, जैसे कि कवक, देखिएगा कवक ऑलवेज सड़े गले पुआल पे उगता है ना, तो कवक वगैरह सैप्रोफिटिक में आता है। तो हम लोग जो मनुष्य हैं, वो किस प्रकार के जीव हैं? तो हेटेरोट्रॉपिक हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग खाना खुद नहीं बना सकते हैं, और हेटेरोट्रॉपिक को हिंदी में क्या कहते हैं? परपोषी जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? परपोषी जीव कहते हैं। उत्पादक क्या होता है?
प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर कौन होता है जो खाना खुद बना सके, जैसे कि प्लांट, ग्रीन प्लांट्स जो भी हैं, ग्रीन प्लांट वो प्रोड्यूसर कहलाते हैं। परजीवी मतलब पैरासिटिक, और पैरासिटिक हमने बता दिया जैसे कि ढीला वगैरह होता है ना हमारे सर पर, मच्छर हो गया, अमरबेल नाम का एक प्लांट होता है जो कि पीला पीला होता है जो कि पूरे पौधे को घेर लेता है, वो सब हो गया परजीवी में। अश्वपोषी में तो आपका हरा पौधा वगैरह आता है, तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा मनुष्य परपोषी जीव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शरीर हेतु ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, शरीर हेतु ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो हमने आपको बताया था ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत हमारे शरीर के लिए क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट है। तो बशर्ते ये बात अलग है कि कार्बोहाइड्रेट के तुलना में वसा ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे देखिए एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट, याद रखिएगा एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट यदि बात करें, कार्बोहाइड्रेट कितना एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, तो 4 किलो कैलोरी, 4 किलो कैलोरी, कितना 4 किलो कैलोरी। जबकि एक ग्राम लिपिड की बात कर ले, फैट की बात कर ले, तो वो 9 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, दुगना एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो फिर भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट को ही ऊर्जा का मुख्य स्रोत इसलिए कहते हैं क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का साइड इफेक्ट बहुत कम है, लेकिन फैट अगर ज्यादा खाएंगे तो उससे बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं, इसलिए फैट को अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपका क्या हो गया, शरीर हेतु ऊर्जा का अच्छा सोर्स कौन सा हो गया, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शर्करा मोनोसैकेराइड है, तो शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन हमने आपको पढ़ा रखा है, ये दो टाइप का होता है, एक होता है सिंपल, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। अब सिंपल में होता है मोनोसैकेराइड और दूसरा होता है डाइसैकेराइड, और पॉलीसैकेराइड हो गया जो बहुत सारे यूनिट से मिलकर बना हुआ है। मोनोसैकेराइड जो सिंगल यूनिट से मिलकर बना हुआ है, इसका अब हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता है, इसको अब नहीं तोड़ा जा सकता है, ये हमारा एब्जॉर्बेबल फॉर्म होता है, इसी फॉर्म में सारी कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब होते हैं हमारे ब्लड में। जबकि डाइसैकेराइड वो होता है जो कि दो मोनोसैकेराइड में टूटेगा, जैसे ये डाइसैकेराइड है, इसको तोड़ेंगे तो दो मोनोसैकेराइड में टूट जाएगा। पॉलीसैकेराइड जो कि एक पॉलीसैकेराइड बहुत सारे मोनोसैकेराइड में टूटेगा, तो वो पॉलीसैकेराइड हो गया। तो एग्जांपल याद रखना है, मोनोसैकेराइड का एग्जांपल क्या क्या है, तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज, क्या क्या है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज, माल्टोज। अब डाइसैकेराइड का एग्जांपल क्या क्या है, माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। जैसे कि देखिए माल्टोज को जब आप तोड़ेंगे तो ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में टूटता है, तो दो, ये भी ग्लूकोज भी मोनोसैकेराइड हुआ, गैलेक्टोज भी मोनोसैकेराइड हुआ, तो एक डाइसैकेराइड से दो मोनोसैकेराइड बना ना, इसीलिए ये डाइसैकेराइड में है। तो माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज डाइसैकेराइड में आते हैं, और पॉलीसैकेराइड का बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि स्टार्च हो गया, जिस फॉर्म में हमारे अंदर नहीं पौधों में, जैसे कि जो कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज होता है किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है। तो हम लोगों में शरीर में, हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज होता है वो किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन में होता है, और फाइबर्स, सेलुलोज, ये सब एग्जांपल, सेलुलोज और भी सारे एग्जांपल्स हैं जो कि पॉलीसैकेराइड्स हैं। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड अब क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन बना के दिखाइए, निम्न में से कौन सी मोनोसैकेराइड नहीं है, तो कौन सा मोनोसैकेराइड नहीं है, तो याद करिए भैया लैक्टोज, तो लैक्टोज, हाँ भैया लैक्टोज हमारा किस में है, डाइसैकेराइड में है, तो इस वजह से हमारा मोनोसैकेराइड तो यही तो डाइसैकेराइड हो गया, चलिए डाई लिख दिए। गैलेक्टोज, गैलेक्टोज हमारा है मोनोसैकेराइड, क्यों, देखिए हम लोग बनाए थे ना ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज, तो ये हमारा तीनों क्या है, मोनोसैकेराइड है, ये भी मोनोसैकेराइड है, ग्लूकोज भी, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज क्या पढ़े थे, मोनोसैकेराइड, ये तीनों मोनोसैकेराइड हो गया। तो कौन सा मोनोसैकेराइड नहीं है, तो जो डाइसैकेराइड है यानी लैक्टोज हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आपको चीजें याद रहनी चाहिए, ध्यान से आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, या तो आप लिख करके कहीं रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है ये सब चार्ट से। ठीक है, निम्न में से कौन सी एक पॉलीसैकेराइड नहीं है, कौन सा एक पॉलीसैकेराइड नहीं है, तो सेलुलोज हमने बता दिया आपको पॉलीसैकेराइड है ना, जिससे कि हमारा जो कोशिका भित्ति होता है, हमारा कोशिका भित्ति नहीं, पौधों के, पौधे जो के कहते हैं, पौधों का कोशिका होता है, प्लांट सेल का सेलवाल सेलुलोज से बना होता है, तो वो भी एक क्या है, पॉलीसैकेराइड है। ग्लाइकोजन जिस फॉर्म में हमारे अंदर जो कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, ये भी एक पॉलीसैकेराइड है। सुक्रोज, सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, सुक्रोज क्या है, एक डाइसैकेराइड है, देख लीजिए हमने पढ़ाया है सुक्रोज कहाँ है, डाइसैकेराइड है। और ये स्टार्च भी क्या है, पॉलीसैकेराइड है, क्यों, क्योंकि जो पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट का संचय होता है यानी स्टोरेज होता है, तो स्टार्च के फॉर्म में, कहते हैं ना आलू में क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है, क्यों, क्योंकि आलू में जो भी कार्बोहाइड्रेट है वो किस फॉर्म में स्टोर किया गया है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर किया गया है, समझे बच्चा। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, सुक्रोज, जो कि एक पॉलीसैकेराइड नहीं है, क्या है, डाइसैकेराइड है। मेरे साथ आप बताएंगे मोनोसैकेराइड के एग्जांपल क्या क्या हैं, तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज, और डाइसैकेराइड के एग्जांपल क्या क्या हैं, माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज, है ना। और पॉलीसैकेराइड के बहुत सारे एग्जांपल है, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, स्टार्च हो गया, है ना, फाइबर्स हो गए, और भी सारे हैं।
सेल्यूलोज की अधिक मात्रा होती है। तो सेल्यूलोज तो हमने बताया है कि पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, तो उसी में पाया जाएगा। तो कपास भी पादप कोशिका से बनता है, कागज भी पादप कोशिका से बनता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन एक कार्बोहाइड्रेट है जो बना होता है। इंसुलिन भी एक पॉलीसेक्राइड है, याद रखिएगा। इंसुलिन भी क्या है? एक पॉलीसेक्राइड है जो कि कई सारे फ्रक्टोज के इकाइयों से बना होता है। किससे? फ्रक्टोज से। और ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज हमने बताया है क्या है? मोनोसेक्राइड है। तो कई सारे मोनोसेक्राइड से बने होते हैं तो उसको पॉलीसेक्राइड कहते हैं। तो ये जो इंसुलिन है बहुत सारे फ्रक्टोज के इकाइयों से बनकर मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी से प्राप्त होने वाला मोम है, जो मधुमक्खी से प्राप्त होता है हमारा जो ये हनी है, वो क्या है एक प्रकार का? ये एक प्रकार का क्या है? वसा है। ये क्या है एक प्रकार का भैया? वसा है। वसा मतलब क्या हुआ? लिपिड। लिपिड यानी फैट, ठीक है। तो जो हमारा मधुमक्खी से प्राप्त होने वाला जो मोम है वो एक प्रकार का क्या है? वसा है, ठीक है। अब है, वसा का संग्रह होता कहाँ है? जैसे कि आपको मैं बता देता हूं, जो कार्बोहाइड्रेट का हमारे शरीर में संग्रह होता है, कार्बोहाइड्रेट का जो संग्रह होता है हमारे बॉडी में, वो कहाँ होता है? तो लीवर में होता है। लीवर में होता है, ठीक है। मैक्सिमम कहाँ होता है? लीवर में होता है। किस फॉर्म में भैया? तो ग्लाइकोजेन के फॉर्म में। किस फॉर्म में? ग्लाइकोजेन के फॉर्म में स्टोर होता है। और जो फैट यानी लिपिड है, लिपिड बोले फैट बोले, उसका स्टोरेज कहाँ होता है? तो एडिपोज टिश्यू में। एडिपोज टिश्यू यानी एडिपोज उत्तक। एडिपोज टिश्यू कहाँ पाया जाता है भैया? तो स्किन के नीचे वाला लेयर जो चर्बी है ना, वही होता है एडिपोज। जैसे पेट दिख रहा है थुल 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 थुल, जितना हीरो के कहते भोजपुरी हीरोइन सबका देखिए कितना चर्बी है, तो उसमें आप बोलिएगा नहीं चर्बी है, उसको बोलिएगा क्या? एडिपोज टिश्यू है। कहते हैं ना, आई सुहाग रहा तो जहिया चर चर करी चर पहिया, कहते हैं ना। तो वहां पे देखिएगा इतना मोटी मोटी हीरोइन को भोजपुरी फिल्म का मतलब इसीलिए स्टैंडर्ड गिर जाता है, हीरोइन का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, है ना। तो वो मोटी मोटी को नचा देता है। तो जो मोटी मोटी लोग रहती है उसमें क्या होता है? वही तो एडिपोज टिश्यू है। तो उसमें फैट क्या हुआ? स्टोर हो गया है। तो वही है ना, एडिपोज टिश्यू फैट वहां कहां पे होता है? एडिपोज टिश्यू में। किस फॉर्म में? तो फैटी एसिड के फॉर्म में होता है स्टोर, है ना। तो ये सारी चीजें हो गई। एडिपोज टिश्यू यानी देखिए स्किन का लेयर है, एपिडर्मिस एंडो हाइपोडर्मिस एंडोडर्मिस के नीचे ये पीला पीला लेयर होता है एडिपोज टिश्यू। तो ये कहाँ होता है? वसा का संग्रह होता है एडिपोज उत्तक में। कहाँ होता है? एडिपोज उत्तक में, याद रहेगा। चलिए, अब रेशम मुख्यतः बना होता है यानी सिल्क। सिल्क मेनली किससे बना होता है? ये जो सिल्क बनता है ना, सिल्क वॉर्म से, है ना, सिल्क वॉर्म से, वो मेनली किससे बना होता है? तो प्रोटीन के द्वारा बना होता है। क्यों? कौन सी प्रोटीन भैया? वो भी याद रख लो, फाइब्रोइन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? फाइब्रोइन प्रोटीन। तो रेशम जो बना होता है मुख्यतः किससे बना होता है? प्रोटीन से। और उस प्रोटीन का नाम क्या है? फाइब्रोइन प्रोटीन है। वेल डन, वेरी गुड। निम्न में से किस पदार्थ को जंतु स्टार्च कहा जाता है? किस पदार्थ को जंतु का स्टार्च कहा जाता है? अब जंतु का स्टार्च क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन में देखिए कॉन्सेप्ट है, हमने कई बार आपको बता दिया। जंतु स्टार्च कहने का मतलब हुआ कि जो स्टार्च क्या है, पौधों में कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज फॉर्म। देखिए ध्यान से लिख देता हूं, पौधों में कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज फॉर्म क्या है? स्टार्च है। तो ये पौधों का हो गया। अब जंतु का स्टार्च मतलब जंतु में कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो अगर जंतु की बात करें यानी कि हम लोगों में बात करें, तो उसमें अगर बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा? ग्लाइकोजेन हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा बच्चा? ग्लाइकोजेन हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजेन। और ग्लाइकोजेन कहाँ स्टोर होता है? होता तो और भी जगह जगह पे है, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ स्टोर होता है? लीवर में यानी यकृत में। बच्चा पार्टी कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर रखो तो फिर एग्जाम में क्वेश्चन बहुत अच्छे बनेंगे। बताइए ये क्वेश्चन, वसा के प्रत्येक ग्राम मोल से कितनी ऊर्जा निकलती है? हमने आपको बताया था एक ग्राम वसा यानी फैट से कितना एनर्जी मिलता है? तो 9.something कुछ किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। और इसका आधा कौन होता है? एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। तो आपका फैट पूछ रहा है, तो ऑप्शन देखिए, तो 9.3 किलो कैलोरी आप एग्जैक्ट मार सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन से हिसाब से। और अगर कार्बोहाइड्रेट पूछता तो 4.6 आप मार देते, ठीक है। ध्यान से रखिएगा ये सब बात याद को। सर्वाधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है, हमने बताया
कि ऊर्जा तो कार्बोहाइड्रेट भी उत्पन्न करता है और वसा भी उत्पन्न करता है, लेकिन अगर बात करें सर्वाधिक ऊर्जा की तो सर्वाधिक ऊर्जा आपका कौन उत्पन्न करता है, वसा उत्पन्न करता है ना, कार्बोहाइड्रेट और वसा की तुलना में। लेकिन अगर बोल दे वसा का हमारे शरीर के लिए हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का सबसे मुख्यतम सोर्स क्या है, कौन सा सोर्स है, तो कार्बोहाइड्रेट आंसर चल जाएगा। वाई? बिकॉज कार्बोहाइड्रेट बहुत कम साइड इफेक्ट है, वसा ज्यादा खाने से हार्ट अटैक वगैरह आता है ना, देखते ना कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज्यादा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में जमा होता है, मैंने वहां फैटी एसिड बोल दिया गलती से, सॉरी। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सी पॉलीसेक्राइड से संरचनात्मक पॉलीसेक्राइड कहलाती है, संरचनात्मक वो होता है जो कि आकार प्रदान करे, जो क्या हो, आकार प्रदान करे। जैसे देखिए सेलुलोज क्या है, आकार प्रदान करता है किसको, सेलवाल, सेलवाल जो बना होता है पौधा में जो बना होता है वो क्या होता है, सेलवाल क्या है, सेलवाल बना होता है सेलुलोज का, तो पौधों में जो संरचनात्मक इकाई हो गया सेलुलोज, क्योंकि उसका संरचना प्रदान कर रहा है। काइटिन का सेलवाल किसमें बना होता है बताइए, सेलवाल बना होता है किसमें, ये सेलवाल जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका, उसमें सेलुलोज से बना होता है, जबकि सेलवाल फंगाई का, कवक का, कवक का सेलवाल काइटिन का बना होता है। तो ये दोनों आपका क्या हो गया, संरचनात्मक पॉलीसेक्राइड है, तो स्टार्च भी, लेकिन स्टार्च क्या है, जमा होता है, इसका कोई संरचना नहीं देता ना, लेकिन सेलुलोज और काइटिन, क्योंकि सेल वाल ही तो सेल का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए एवं बी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आज वही चीजें हैं जो कि हमने चार्ट पहले से समझा दिया है। विटामिन शब्द प्रतिपादित किया था, तो विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था बच्चा, पंख नाम के, कहते हैं ना विटामिन खाएंगे तो हमें क्या लग जाएगा, पंख आ जाएगा। पापा की परी लोग क्या खाती है ज्यादा, विटामिन खाती है, समझे, है ना, कहते हैं ना पापा की परी, सब पापा की परी सब सुधर जाएगी, चिंता मत करिए। विटामिन शब्द प्रतिपादित किया था किसने, तो फंक ने, विटामिन खाएंगे तो क्या लग जाएगा, पंख लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से याद रख लीजिएगा। और बात करें विटामिन के बारे में, तो विटामिन दो प्रकार का होता है, याद रखिएगा कितने प्रकार का होता है, विटामिन दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, एक होता है वाटर सोल्यूबल, ये भी क्वेश्चन आते हैं, कौन से वाटर सोल्यूबल है, कौन से फैट सोल्यूबल है, यानी वसा में घुलनशील और वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल विटामिन को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते बॉडी में, है ना, इसको रेगुलर बेसिस पे लेते रहना पड़ता है, लेकिन जो फैट सोल्यूबल है वो स्टोर किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि ये यूरिन के थ्रू पास नहीं होगा, लेकिन ये यूरिन के थ्रू पास हो जाता है। और वाटर सोल्यूबल विटामिन है कौन कौन से, तो विटामिन बी और सी वाटर सोल्यूबल है, जबकि फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन सा है, एडेक, ए डी ई के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के क्या है, आपका फैट सोल्यूबल विटामिन है, तो इतना बात आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, चलिए, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, अगर लेक्चर अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट करिए एक प्यारा सा कि इसी तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं, और बहुत अच्छे से उदित फार्मेसी ऐप पर आ जाइए, वहाँ पे हम लोग पूरी बायोलॉजी अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, बायोलॉजी जिसका स्ट्रांग हो गया सिलेक्शन उसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय बाय।